दोस्तों, वीडियो गेम आज के ज़माने में एक ऐसी चीज़ बनी गई है जो आज के लोगों का एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गई है। दोस्तों, आपने पबजी के बारे में सुना होगा या फिर आपने खेला होगा। ये ऐसा पावरफुल गेम है जिसे आपको एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन आपने कभी सोचा है कि यह गेम कैसे बनते हैं? आप कहेंगे इसे थोड़ी सी कोडिंग हो जाती है और एक बन जाता है गेम। लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों। इस गेम को बनाने में आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर, गेम प्रोग्रामर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इतने सारे लोग लगते हैं और इस गेम को बनाने में एक इतना बजट होता है कि जितना एक मूवी का नहीं होता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गेम के बारे में सब कुछ बताऊंगा, तो कैसे बनते हैं, कैसे रिलीज होते हैं और उनकी प्रोसेस क्या होती है। तो वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। तो वीडियो गेम की शुरुआत होती है वीडियो गेम के डिज़ाइन या फिर थीम से। बात करें वीडियो गेम की, तो वीडियो गेम के भी 6 टाइप है दोस्तों। पहला टाइप है फाइटिंग, जैसे कि स्ट्रीट फाइटर, यह गेम आपने कभी खेला होगा या फिर देखा होगा। दूसरी टाइप है शूटिंग। शूटिंग में कौन सा गेम आता है आप ज़रूर जानते होंगे, एरो का जो गेम आता है वो शूटिंग कैटेगरी में आता है। तीसरा गेम है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी गेम में कौन से गेम आते हैं, चेस जैसे गेम आते हैं। बात करें चौथे गेम की, तो चौथा गेम है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन में फ्लाइंग, डाइविंग जैसे गेम आते हैं। पांचवी कैटेगरी है एडवेंचर। एडवेंचर में रोल प्ले का गेम होता है। अगर आपको पता होगा तो रोल प्ले का गेम कौन सा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और छठी कैटेगरी है रन, जंप एंड अवॉइड, जिसे RJ भी कहा जाता है। उसमें सुपर मारियो जैसा गेम आता है। एक बार गेम की कैटेगरी सिलेक्ट होने के बाद दूसरी स्टेप आती है गेम की स्टोरी। जनरली यह स्टोरी किसी बुक पर बेस होती है या फिर किसी मूवी पर। बात करें पबजी की, तो पबजी गेम रॉयल बैटल नाम की एक जापानीज मूवी है जो कि 2000 आई थी, उस पर बेस है। बात करें गेम की स्टोरी की, तो स्टोरी में एक इमेजिनेशन और एक मोटिव होना चाहिए जो ये गेम खेल रहा है। पबजी की, तो पबजी में जो भी गेम खेलता है उसे एक मोटिव दिया जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। दोस्तों, स्टोरी जितनी पावरफुल और जितनी इंटरेस्टिंग होती उतना ही गेम पॉपुलर और फेमस होगा। दोस्तों, गेम की स्टोरी कन्फर्म होने के बाद दूसरा काम आता है, वो है गेम के कैरेक्टर और गेम का बैकग्राउंड। गेम के कैरेक्टर और बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए आर्टिस्ट उसे ड्रॉ किए करते हैं और उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बात करें गेम के कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर बनाने में काफ़ी खर्च होता है और काफ़ी पैसे और काफ़ी हार्ड वर्क लगता है। गेम के कैरेक्टर बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गेम का जो कैरेक्टर रहता है उसे सभी एंगल से फिल्म करना पड़ता है और उसके सभी एक्शन के लिए कोडिंग करनी पड़ती है। बाद में आता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड का फाइनली जिस जगह पर लेना है उसके फ़ोटो लिए जाते हैं और उसे डिजिटलाइज फॉर्म में या फिर 3D फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। आपने पबजी में देखा होगा कि कुछ कुछ जगह रियल है जिसके पहले फ़ोटो लिए गए, फिर बाद में डिजिटलाइज किया गया, उस जगह को 3D में कन्वर्ट किया गया। और यह इतना आसान नहीं होता, इसमें 1 से 2 साल लगते हैं। बात करें पबजी की, तो पबजी को बनाने में कुल 1.5 साल लगे थे, जिसका पहले ही स्ट्रक्चर और मटेरियल बना हुआ था, क्योंकि जो पबजी को बनाने वाले थे वो पहले से ही फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर थे, इसलिए उन्हें बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगी। दोस्तों, यह सब हो जाने के बाद वॉइस आर्टिस्ट इस गेम का वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि पबजी में एनिमीज, हेड, ऐसे वॉइस है ये रिकॉर्ड किए जाते हैं और डिजिटल ऑडियो टेप में कंप्यूटराइज किए जाते हैं और सिंथेसर कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं। सिंथेसर कंप्यूटर वो होता है जो साउंड टेप को डिजिटलाइज यानी में डाटा में कन्वर्ट करता है और गेम में कोडिंग के जरिए डाला जाता है। दोस्तों, यह सब प्रोसेस हो जाने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है राइटिंग प्रोग्राम या फिर कोडिंग। दोस्तों, प्रोग्राम लिखना इतना आसान नहीं है गेम के लिए, क्योंकि हर एक छोटे कैरेक्टर या फिर बड़े कैरेक्टर या फिर बड़ी एक्शन के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पबजी में एक गेम जब उतरता है तो उसमें साइड व्यू होता है, आई व्यू होता है। साइड व्यू मतलब आपके आजू बाजू में जो दिखता है वो, और आई व्यू मतलब आप जब भी एरोप्लेन से कूदते हो जो पूरा नक्शा दिखाई देता है उसे आई व्यू करते हैं। और यह प्रोग्राम लिखने में काफ़ी समय जाता है। जनरली 6 से 7 महीने एक आदमी को या फिर पूरी टीम को यह प्रोग्राम लिखने में नॉर्मली जाता है। बात करें पबजी की, तो इसे 1.5 साल लगे थे पूरे प्रोग्राम लिखने में। प्रोग्राम लिखना प्रोसेस एक फ्लो चार्ट में चलता है, यह लॉजिकल प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के लिए C++, JavaScript या फिर विजुअल बेस का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यह प्रोग्राम की लैंग्वेज है। यह प्रोग्राम लिखने वाले काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं और यह एरर के चांस काफ़ी कम करते होते हैं। और एक नॉर्मल गेम के लिए 2,50,000 तक के कमांड यह लिख देते हैं,
क्योंकि काफ़ी अच्छे तरह से प्रोग्राम लिखना ज़रूरी है, क्योंकि छोटा सा भी एरर आता है तो उसे बग्स करते हैं और वो गेम को काफ़ी बिगाड़ सकता है। और गेम बनाने की प्रोसेस में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये सब प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग हमेशा प्रोग्रामर, प्रोफेशनल प्ले टेस्टर या फिर जनरल पीपल से भी हो सकती है। बात करें प्रोग्रामर की तो प्रोग्रामर अपना ही गेम रन करते हैं और उसे खुद ही खेलकर एरर ढूंढते हैं। बाद में आते हैं प्रोफेशनल प्ले टेस्टर, जैसे कि कैरेमिनाटी डायनामो जैसे। ये गेम खेलते हैं, उस पर क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उस गेम के लिए सजेस्ट करते हैं या फिर इसमें एरर ढूंढकर प्रोग्रामर को बताते हैं। दोस्तों बात करें तीसरे की तो जनरल प्ले पीपल। जनरल पीपल वो गेम को खेलते हैं और अपना सजेस्ट देते हैं। दोस्तों यह सब अप्रूवल मिल जाने के बाद प्रोग्राम को, यानी कि गेम के प्रोग्राम को मास्टर कॉम्पैक्ट डिस्क में पैक किया जाता है, यानी कि कोड किया जाता है और मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है। बाद में इस गेम को दुनिया में लॉन्च किया जाता है और हजारों लोग इसे दिन रात खेलते हैं दोस्तों, जैसे कि पबजी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह गेम बनाने की प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। आपका कोई सुझाव या फिर आपका कोई राय हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों आप अगर इंस्टाग्राम पे हो तो हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं।